नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि राजस्थान सरकार ने 1,00,000 भर्तियों की घोषणा की है, वो कैसे मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने रिक्त पद खाली हैं, सब बताएंगे आपको। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिएगा, ऐसी कुछ अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ORJAT नाम से टेलीग्राम है, उस पर जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलता है, डेली क्विजेज मिलता है और आप टेस्ट सीरीज, क्विज टेस्ट, PDF के रूप में नोट्स सब कुछ फ्री में पाना चाहते हैं, उनके लिए ORJAT.com वेबसाइट है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं 1,00,000 आगामी वर्ष के लिए भर्तियों के लिए। इसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी भर्तियाँ आएगी, कौन कौन से पद के लिए भर्तियाँ आएगी, कौन कौन सी खाली है, इन सभी की देखते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि गहलोत सरकार ने आज संसद के अंदर फिर से बजट की घोषणा की है, उसके अंदर कुछ बजट का अपडेटिंग किया है और बजट में जो पिछले जो बजट हुआ था 2-3 पहले, उसके अंदर क्या हुआ, कुछ बोल बात होगी उनको कम करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए उस हिसाब से एक प्रेस वार्ता रखी है आज, तो उसको मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। पहले देखिएगा, ये आप खुद से देखिएगा क्या बोलते हैं 1,00,000 भर्तियों के बारे में। यानी फरवरी 23-24 का बजट प्रदर्शन करते समय मैंने वर्तमान में नगरीय नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आगामी वर्ष 1,00,000 भर्तियां और करने की घोषणा करता हूँ। हाँ, तो आपने देख लिया होगा 1,00,000 भर्तियों की घोषणा कर चुके हैं गहलोत सरकार, यहाँ पे 1,00,000 भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। आप सभी को अभी बता दें कि 1,00,000 के अंदर कौन कौन सी पोस्टें रहेगी, उनके लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें होगी और कितने पोस्टें खाली है, कैसे कैसे आपको मिलेगी, ये सारी जानकारी है आपकी कटिंग पूरी मैं इस टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम का नाम ORJAT मोटिवेशन नाम से, ORJAT से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे भी आपको ये मिल जाएगा। कार्यालय शिक्षा निदेशालय जयपुर से पद नाम यहाँ पे दे रखा है, ये पद नेम आप पढ़ लेना आराम से। निदेशक IAS की आएगी, अति निदेशक प्रशासन की आएगी, वित्तीय सलाहकार की आएगी, संयुक्त विधि परामर्श की आएगी, मुख्य लेखाकार की आएगी, संयुक्त निदेशक की, सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और वरिष्ठ संपादक विभागीय प्रकाशन, जिला शिक्षा अधिकारी, अति जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक संख्या की, निजी सचिव, ये सभी की भर्तियाँ आएगी। जिसमें पोस्टें खाली है वो आपको टेलीग्राम पे ये पूरी PDF मिल जाएगी, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। जो पोस्टें खाली है उनकी अभी नहीं आएगी, काफ़ी सारी पोस्टें आने वाली है इसके अंदर, मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा एंड तक। जैसे कि प्रधानाचार्य समकक्ष की आएगी, सहायक विधि परामर्श की आएगी, स्थापना अधिकारी की, लेखाकारी की, उप जिला शिक्षा अधिकारी की, ये सब कुछ भर्तियाँ जो बताई गई है ये आएगी। व्याख्याता एवं समकक्ष की आएगी, आप देखते रहिएगा, व्याख्याता की पोस्ट आने वाली है, पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 1 की आने वाली है, प्रोग्रामर की आने वाली है, वरिष्ठ प्रकाशन सहायक की आने वाली है, शिक्षा प्रचार अधिकारी की आने वाली है, तो ये सब आपकी शारीरिक व्यायाम शिक्षक की आने वाली है, अति निजी सचिव सहायक लेखाकारी की आने वाली है, निजी सहायक की आएगी, तो ये वरिष्ठ अध्यापक की शारीरिक शिक्षा श्रेणी 2 की भी आएगी। तो इस हिसाब से आपको ये PDF पूरी कम्प्लीटली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप किस भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में लगेगा, तो इस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ORJAT नाम से टेलीग्राम है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप फ्री में कुछ सब कुछ पाना चाहते हैं तो ORJAT.com वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पर आप विजिट करके फ्री में मॉक टेस्ट, क्विज टेस्ट, PDF के रूप में नोट्स, ये सब कुछ पा सकते हैं। और ऐसी सरकारी वैकेंसीज की इंपॉर्टेंट सूचनाएं के लिए आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली क्विजेस, इंपॉर्टेंट सूचनाएं सब कुछ मिलती है। वीडियो अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।